हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इमल्शन और उसके टाइप्स। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इमल्शन के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, बिल्कुल एग्जांपल में, डिटेल में और उसके टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इमल्शन से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पर इमल्शन को समझने से पहले दो चीज़ें कौन कौन सी। सबसे पहले नंबर पर डिस्पर्जन मीडियम एंड सेकेंड डिस्पर्जन फेस। ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले जरूर जानना ज़रूरी है, ठीक है। डिस्पर्जन फेस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है। तो जैसे कि सपोज करते हैं, मैं यहाँ पर एक कंटेनर बना रहा हूँ और इसमें क्या करता हूँ, मैं वाटर को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसमें के अंदर वाटर फिल कर दिया, तो ये वाटर जो है आपका, ये क्या है हमारा, डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हम मिक्स करेंगे, इसके अंदर ऑयल मिक्स करेंगे, ठीक है, या सॉल्ट मिक्स करेंगे, जो भी मिक्स करेंगे वो क्या होगा हमारा, डिस्पर्जन फेस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम सॉल्वेंट कह सकते हैं या फिर इसको हम सॉल्यूट कह सकते हैं। अगर सॉल्यूशन के फेज में बात करेंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर हम एडसॉर्प्शन केमिस्ट्री में जो हम कोलाइड्स पढ़ रहे हैं उसकी बात करेंगे तो डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये दो चीज़ें आपको पता है तो यहाँ पे आपको समझना इमल्शन ईजी होगा। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके थ्रू आप डेफिनेशन करेंगे तो बहुत ईजी होने वाला है। आप ये क्या है हमारा, एक लिक्विड और ऑयल भी एक लिक्विड है, मतलब कि दोनों लिक्विड हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, एन इमल्शन इज ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट वुड नॉट नॉर्मली मिक्स। देखिए मिक्सचर तो होते हैं बट वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं, देखिए सेपरेट सेपरेट रहते हैं। तो और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दीज आर लिक्विड कोलोइडल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, लिक्विड लिक्विड कोलोइडल सिस्टम है, दैट इज द डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनादर लिक्विड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक डिस्पर्जन फेस है, दूसरा डिस्पर्जन मीडियम है, और उसमें फाइनली क्या हो रहा है, मतलब कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में या फिर पानी की बूंदों के फॉर्म में कह सकते हैं, जैसे पानी की बूंदें छोटी छोटी होती है ड्रॉप्स, उसी तरीके से ड्रॉप्स के फॉर्म में दूसरा क्या होता है उसमें मिक्स होता है, तो यही इमल्शन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है, इसको आप समझ जाएंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इमल्शन दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, इमल्शन हैव टू टाइप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि सब सोचते हैं कि वीडियोस में सिस्टमेटिकली चीज़ों को बताया जाए, लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिक नहीं है। अगर आप पहले आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो उसके बाद ये चीज़ें आपको समझना और डेफिनेशन लिखना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, एक डब्ल्यू बाय ओ टाइप, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ओ बाय डब्ल्यू टाइप। अब यहाँ पे आपको क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर नीचे ओ है, ओ मतलब होता है हमारा ऑयल, ठीक है, और डब्लू मतलब होता है वाटर। यहाँ पर क्या है हमारा, ऑयल और ये वाटर। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना ज़रूरी है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दूसरा चीज़ तो चेंज होता है, दूसरा मीडियम चेंज होता है, बट वाटर रहेगा ही रहेगा, इमल्शन में वाटर रहेगा ही रहेगा, या तो वो डिस्पर्जन फेस के फॉर्म में होगा या डिस्पर्जन मीडियम के फॉर्म में होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि डब्ल्यू बाय ओ टाइप, इसमें क्या होता है कि जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, लेस क्वान्टिटी में होता है, और जो हमारा ऑयल है वो मोर क्वान्टिटी में होता है,
ठीक है, मतलब कि अगर हम इस तरीके से बनाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर वाटर है, ये वाटर की ड्रॉप होगी और यहाँ पर इस तरीके से ऑयल होगा, ठीक है। अगर देखिए, अगर यहाँ पर इमल्शन कैसे बनता है ये चीज़ आपको और बता सकता हूँ मैं किस तरीके से। जैसे कि आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर की एक लेयर बनती है और उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है। देखिए यहाँ पर लेयर उसकी बनती है जो लेस क्वांटिटी में रहता है। अगर आपने बहुत सारे ऑयल में वाटर को डाल दिया तो वाटर ऊपर फ्लोट करेगा, आप बहुत सारे वाटर में ऑयल को डाल देंगे थोड़ा सा तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसको अगर हम इस तरीके से शेक कर दें, शेक करने में क्या होता है कि इसकी ड्रॉपलेट्स जो हैं जो लेस क्वांटिटी में होगा उसके अंदर पूरा मिक्स हो जाएगा, तो वही क्या कहलाता है, हमारा इमल्शन कहलाता है। आपको इन सब चीज़ों से समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर इसका जो है W by O type, मतलब कि जहाँ पर ऑयल है और वाटर ज़्यादा है, इसका हम दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल बटर, ठीक है। बटर जो है इसका एग्जांपल है और इसका एग्जांपल हम किसको दे सकते हैं, मिल्क को। तो ये दो चीज़ें जो हैं आपको आई होप अब इस वीडियो में समझ में आई होगी। देखिए आप राइटिंग ऊपर मत जाइए, राइटिंग तो थोड़ी ज़्यादा खराब ही हो तो मुझे पता है, बट अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिस तरीके से समझाया आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है तो आप इसका ये जो डेफिनेशन लिखी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और अगर इन सब चीज़ों को आप कहीं पर भी डिस्कस करेंगे या फिर कहीं पर भी एग्जाम में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।